हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के 36 प्रवासी मजदूर तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों की मदद के लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा गया है। जिस कंपनी में ये मजदूर काम कर रहे थे, उसने 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया है। पैसे के अभाव में मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। ये सभी मजदूर पिछले 4 महीने पहले विष्णुगढ़ प्रखंड के खरना के पंचम महतो माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन के लिए काम करने तजाकिस्तान गए थे। निजम कंपनी का बॉस बोलता है कि पैसा भेजना मेरा काम नहीं है। अब कंपनी वालों ने झारखंड होमगार्ड वेलफेयर पाकुड़ एसोसिएशन के द्वारा होमगार्ड जवानों के हितों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा बहाल होमगार्ड जवानों को ड्यूटी देने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार होमगार्ड जवानों को बहाल कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कई को अब तक ड्यूटी भी नहीं दी गई है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रचार अभियान चल रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा जिस प्रकार से राज्य के विरक्षकों के साथ में सौतेला व्यवहार की जा रही है कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी अब तक समान काम का समान वेतन विरक्षकों को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर राज्य सरकार के द्वारा होमगार्ड की बहाली तो भारी संख्या में राज्य में कर दी गई। महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कहकर महिलाओं को बहाल जरूर कर दिया गया होमगार्ड में, लेकिन उनको ड्यूटियां नहीं दी जा रही है, उनको रोजगार पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप बहाली जो करके आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, सरकार हमें बताए कि राज्य के महिला एवं पुरुष गिरक्षकों को ड्यूटी आप कब देंगे। हजारीबाग नगर भवन में सांसद जयंत सिन्हा की पहल से फीडिंग इंडिया द्वारा जिले के वैसे बच्चे जिनके अभिभावक कोरोना काल में नहीं रहे, उन 97 बच्चों को 1 साल तक के खाने का राशन और एजुकेशन किट दिया गया। कार्यक्रम में सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि हमारी सेवा इन बच्चों तक ही सीमित नहीं, अगर आपके पास भी ऐसे बच्चों की जानकारी है जिनके माता पिता कोरोना काल में गुजर गए हैं और उन्हें सहायता की जरूरत है, तो उसके लिए हम आगे आएंगे। जो है वो कोविड के कारण, अगर आपको मालूम हो कोई भी बच्चों के बारे में जिनके माता या पिता जो है वो कोविड के कारण गुजर गए हैं, उनका देहांत हो गया है, तो आप जरूर चिन्हित करके हम लोगों को बताइए, उसके बारे में हम लोग उन लोगों को भी मदद करेंगे। तो इन जो प्रभावित बच्चे हैं जिनको कोविड के कारण इतना बड़ा एक धक्का लगा है, उनके लिए हम लोग फीडिंग इंडिया के द्वारा क्या कर रहे हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ।